नदी के तट पर आकर के छठ पूजा करते हैं और उसी के साथ साथ रमार और भंडारा मेला दंगल का आयोजन होता है। यह पूजा लगभग 11 वर्षों से मेरे गांव मनाया जा रहा है और पूरे गांव के सहयोग से यह पूजा मनाया जाता है। और मेरे गांव के कुछ लोग जैसे योगेश सिंह हैं, यहां पर खड़े हैं, मुख्तार गौन हैं, छोटे लाल अजय सिंह हैं और इत्यादि इत्यादि। मुंबई से भी सहयोग मिलता है, लोग आते हैं दूर दूर से, मुंबई दिल्ली से गाँव में। मिंटू सिंह जी हमारे हैं और सब ग्रामवासी हैं, सब लोग मिल करके पूजा करते हैं, बड़ा भव्य आयोजन होता है। इससे गांव का विकास भी हो रहा है और गांव में तमाम शुभ कार्य भी हो रहे हैं। सर कितने सालों से आप मना रहे हैं यह त्यौहार? ये 11वां वर्ष है, 11वें वर्ष से लगातार छठ पूजा दंगल मेले का आयोजन छठ के पावन पर्व पर हो रहा है। सर यहाँ के देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे खास करके आजमगढ़ में? ये बहुत पावन पवित्र पर्व है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस पर्व पर उत्तर प्रदेश में पूरा छुट्टी किए हैं और भोजपुरी में। ये आप सबके शुभ हो काला छठ, ये शुभकामना भी हमारे योगी जी दिए हैं। जो यहाँ के भक्त हैं उनको सब क्या कहना चाहेंगे खास करके? जो हमारे भक्त हैं उनके घर में सूर्य भगवान माँ षष्ठी अमन चयन करें, उनके परिवार का विकास हो, उनके परिवार में शुभ संदेश आए, लड़के बच्चे नौकरी करें, विकास करें और घर परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करें। ग्रामवासियों को मेरा संदेश है और सूर्य भगवान से माँ षष्ठी से ही हमारी प्रार्थना है। तो अभी आपने देखा बीजेपी अध्यक्ष ध्रुव सिंह यहाँ पे मौजूद है और आपके सामने जो बातें रखे छठ पूजा की वो तस्वीरें मैं पल पल का दिखाऊंगा, आप सीधे देखिए तस्वीरें हमारे सामने ले जाए।